नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना का दिन है, तो आज हम राशि अनुसार आपको बताने वाले हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आपको किस तरह से करनी है और क्या क्या खास उपाय आपको करने हैं। तो इनकी पूजा से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। तप करने से कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। तो आज का यह जो दिन आपके लिए है वो पूजा करने का बहुत ही अच्छा दिन है। माँ के एक हाथ में कमल दल है और दूसरे हाथ में जपमाला है। राशि अनुसार माँ की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। यदि आपकी मेष राशि है तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ब्रह्मचारिणये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप से माँ ब्रह्मचारिणी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। माँ को सुहाग का सम्मान अर्पित करें, माँ को लाल चुनरी अर्पित करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। और अब बात करते हैं वृष राशि की। मां की पूजा पंच अमृत से करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मां को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित जरूर करें। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। मां की पूजा चंदन की धूप से जरूर करें। मां को इत्र अर्पित करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। बात करेंगे कर्क राशि की। मां को हकीक की माला अर्पित करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ब्रह्मचारिणये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ होगा। और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। कहते हैं कि मां की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। मां की तस्वीर के नीचे चौकी पर लाल वस्त्र जरूर बिछाएं। देसी घी के साथ में रुई के साथ में जोत जलाएं। पूजा में श्री अंबे जी की आरती जरूर बोलें। बात करेंगे कन्या राशि की। मां को रुद्राक्ष की माला अर्पित जरूर करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। हकीक के हरे मनकों के साथ मां की पूजा आराधना जरूर करें। बात करेंगे तुला राशि की। गंगा जल से मां को स्नान करवाएं। मां को कमल का पुष्प अर्पित करें और अपना मन स्वादिष्टान चक्र पर लगाएं, ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। चांदी की प्लेट में जल भरकर उत्तर पूर्व की तरफ रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करें। शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इसलिए हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें। बात करेंगे धनु राशि की। हल्दी से रंगे पीले रंग के चावल की ढेरी पूजा के साथ साथ जरूर रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और गेंदे के फूल की माला मां को अर्पित करें। बात करेंगे मकर राशि की। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। मां को दो लौंग और बतासा अर्पित जरूर करें। मां को एक मुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। बात करेंगे कुंभ राशि की। ओम भगवती ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप करें।
माँ को हरी चूड़ियां अर्पित करें और माँ को बेल पत्र अर्पित जरूर करें। बात करेंगे मीन राशि की। आपकी यदि मीन राशि है तो मां को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, पीले फूलों से मां की पूजा आराधना करें, मां को सुहाग का सामान अर्पित जरूर करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप मां ब्रह्मचारिणी जी की पूजा जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।